दोस्तों, धरती पर आज तक के सबसे बड़े और खतरनाक सांप की बात करें तो आपके दिमाग में टाइटेनोबोआ का नाम ही आएगा, और वहीं आज तक की सबसे बड़ी और खतरनाक शार्क मेगालोडॉन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर समुद्र में इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें टाइटेनोबोआ की, तो इसकी पानी में तैरने की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि मेगालोडॉन शार्क के कंपेयर में बिल्कुल आधी थी। अगर टाइटेनोबोआ को मेगालोडॉन शार्क से जीतना है तो सबसे पहले उसे उसकी बॉडी को चकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ है तो एक सांप ही, और हर सांप की तरह वो भी अपने शिकार को दबोच कर ही मार सकता था। लेकिन मेगालोडॉन के शरीर को चकड़ना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ की लंबाई 42 फुट थी, वहीं मेगालोडॉन की लंबाई 60 से 70 फुट के बीच होती थी। इसका मतलब यह है कि टाइटेनोबोआ अगर मेगालोडॉन की बॉडी को चकड़ भी लेता है तो उसे मारना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो गलती से भी मेगालोडॉन की पकड़ में आ जाता है तो उसकी कहानी खत्म समझो। वैसे दोस्तों, इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताना।